सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज का जो वीडियो है, ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप आर्ट बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं और पैसे नहीं कमा पा रहे गाइज। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं 50,000 to 1 lakh पर मंथ, तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं और क्या क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा जिससे आप अच्छे तरीके से कमा पाएंगे। अगर आप ड्राइंग बनाते हैं और कुछ भी आर्ट में आपको इंटरेस्ट है, तो किस तरीके से अर्निंग होगा, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होगा और किस तरीके से आप अपना करियर बना सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं आज बात करूंगा अच्छे तरीके से। सो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वो छूट जाएगा गाइस। इसलिए वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, पूरा देखना, थोड़ा सा लंबा वीडियोज हो चुका है इसलिए वीडियो को अच्छे तरीके से देखना गाइस, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, जैसे कि आप लोग अगर जानते होंगे तो यूट्यूब पे लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप ड्राइंग बनाते हो, अगर आप आर्ट में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप जरूर, आपका कुछ ना कुछ चैनल्स होगा, फेसबुक पेज होगा गाइस। सो क्या आप उससे इनकम जनरेट कर पा रहे हो या नहीं, ये सबसे बड़ा बात है गाइस। क्योंकि आर्ट में, ड्राइंग में एक ऐसा चैनल है जहाँ पर बहुत कम व्यूज आते हैं, ये बहुत ज़्यादा फैक्ट्स है गाइस। और कहीं ना कहीं, हाँ, ऐसा नहीं है कि व्यूज़ नहीं आते, लेकिन 90% जो चैनल है वो बहुत कम व्यूज़ आते हैं, 10% ऐसा चैनल है जो उसमें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। सो अभी का जो टाइम है क्या है, जितने भी आर्ट चैनल हैं वो सोचते हैं कि मेरे चैनल पे अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे तब मैं पैसा कमाने लगूंगा, इसके चक्कर में वो कुछ नहीं कर पाते हैं। सो गाइज, मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा आज जिससे आप अच्छा खासे रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे और उसी वीडियोज़ को अलग अलग तरीके से मोनेटाइज कर पाएंगे गाइज। तो चलिए जानते हैं कि किस किस तरीके से आप लोग क्या क्या कमा सकते हो और क्या क्या तरीके हैं जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा गाइज, ठीक है। सो गाइज, जो फर्स्ट नंबर पे है वो है फेसबुक। सो गाइज, आज के टाइम पे आप लोग जानते होंगे कि फेसबुक पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। फेसबुक बहुत ज़्यादा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग वीडियोज़ डाल के पैसा कमाते हैं। जी हाँ गाइज, वीडियो जैसे यूट्यूब पर डाला जाता है, उस तरीके से आप फेसबुक पर भी वीडियोज़ डालकर पैसा कमा सकते हो। मैं YouTube क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मैं Facebook क्यों बोल रहा हूँ। सो गाइज, इसके बोलने का पीछे का जो रीज़न है, वो सबसे पहला जो रीज़न है गाइज, वो है Facebook का कम व्यूज़ पे ज़्यादा डॉलर बनता है गाइज। YouTube के अगर मुकाबले बात किया जाए Facebook, तो Facebook बेस्ट है क्योंकि Facebook पे ट्रैफिक ज़्यादा है, YouTube पे भी ट्रैफिक है, लेकिन Facebook पे क्या होता है कि वीडियोज़ वायरल बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो आप वहाँ पर अगर आप अच्छे तरीके से वीडियोज़ बनाओगे आर्ट का, ड्राइंग का, तो आपका वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होगा, वहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू आप जनरेट कर पाओगे। सो गाइज, फेसबुक पे भी एक क्राइटेरिया है जो कि बहुत जल्दी कंप्लीट होता हो जाता है गाइज। अगर आपका एक वीडियो भी वायरल हो गया तो आपका 10,000 फॉलोवर्स कम से चाहिए वहाँ पर अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज करने के लिए। सो ये बहुत जल्दी हो जाता है गाइज, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और आपका जो इनकम होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा गाइज, क्योंकि कम व्यूज़ पे भी अच्छे डॉलर बन जाते हैं, इसलिए आप फेसबुक पे वीडियोज़ डालना स्टार्ट कर दीजिए। तो गाइज, आप फेसबुक पे जो भी वीडियोस डालते हैं उसको यूट्यूब पे भी डालिए, ठीक है। भले कम व्यूज़ आए, कम डॉलर बने, लेकिन आपका डॉलर बनेगा तो सही। इसलिए फेसबुक का जो वीडियोस है वो यूट्यूब पे भी डालिए, मतलब एक वीडियोस बनाइए और दो जगह से पैसा कमाइए गाइज, समझ गए। अब लोग सोचते होंगे कि मेरे पास तो चैनल है नहीं, मैं किस तरीके से बनाऊंगा, क्या करूंगा। सो गाइज, आपके लिए सबसे पहले एक चीज़ है कि अगर आपको ड्राइंग बनाना आता है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक ट्राइपॉड लीजिए और एक माइक लीजिए गाइज। उसका जो क्वालिटी होगा ट्राइपॉड और माइक का, वो अच्छा होना चाहिए, तभी आपका जो वीडियोस है वो काफ़ी क्वालिटी का बनेगा। और वीडियोस बनाने के लिए एक अच्छा मोबाइल फ़ोन का भी ज़रूरत पड़ेगा, जो कि हर किसी के पास होता है गाइज, आपके पास भी होगा। सो ये तीन चीज़ का प्रोडक्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप खरीद सकते हैं, वहाँ मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। सो गाइज, इसके लिए आप समझ गए कि आपको फेसबुक और यूट्यूब पे सिर्फ वीडियोस डालना है, आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे सिर्फ ड्राइंग बनाकर, समझ गए। इसलिए फेसबुक पे जरूर अपना पेज बनाइए और वहाँ पर वीडियोस डालना स्टार्ट जरूर कर दीजिए गाइस। सो गाइस, जो सेकंड तरीका है वो आर्ट से कमाने का है। अगर आप फेसबुक पे वीडियोस डालते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, सो गाइस आप एक और तरीके से पैसा कमा सकते हैं, जो है एफिलिएट मार्केटिंग। आप एफिलिएट मार्केटिंग से इतना कुछ कमा सकते हैं गाइस जितना आप फेसबुक और यूट्यूब से भी नहीं कमा सकते, लेकिन उसके लिए आपको एक ऑडियंस बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो भी एक निश पे। जैसे कि आपने ड्राइंग चूज़ किया तो उसी निश पे आप लगातार वीडियोस बनाने स्टार्ट कीजिए, आपका एक
ऑडियंस बनेगा और उस ऑडियंस को आप कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी सेल आउट कर सकते हैं गाइज। जैसे कि आपने कुछ पेपर खरीद के लाया, पेंसिल खरीदा आपने, तो उस पेंसिल का क्या करना है, आपको वीडियोस बनाना है, ठीक है। जो भी आपने डब्बा खरीदा है उसका वीडियोस बनाना है और उसका रिव्यू करना है। उस रिव्यू के साथ साथ आपको ये भी कहना है गाइस कि आप इस प्रोडक्ट को अगर खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, आप वहां से खरीद पाएंगे। तो अगर आपका व्यूज अच्छा खासा आ जाता है 1000 के आसपास, तो आपको कुछ ना कुछ आपका कन्वर्जन जरूर होगा। प्रोडक्ट का अमेज़न से एक अमेज़न पर अपना अकाउंट बनाइए और वहां पर आप कोई भी प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक वहां से उठाइए गाइस, जैसे कि पेंसिल का, और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर देना है। वहां से जितने भी लोग खरीदेंगे आपको 2% 5% का कमीशन मिलता रहेगा गाइस। मतलब जितना भी वीडियोस बार बार देखा जाएगा कुछ ना कुछ कन्वर्जन आपको मिलता रहेगा। तो एक ऐसा पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, किसी का भी एफिलिएट एसोसिएट बन सकते हैं गाइस। एक चीज मैं आप लोगों के साथ और शेयर करता हूँ, वो है मीशो। तो गाइज मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बहुत अच्छा कमाने का मौका देता है गाइज। और वो मीशो से आप घर बैठे अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो। कैसे कमाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मीशो का लिंक दिया है, आप उसको लिंक से जाकर सबसे पहले मीशो को डाउनलोड कीजिए। और अगर आप मीशो डाउनलोड करके किसी को रिफ़र करते हैं उसको भी कमाने का मौका दीजिए। अगर किसी फ्रेंड है तो उसको रिफ़र करते हैं तो आपको पर रिफ़र जो भी ऑर्डर करता है। मीशो क्या है, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कोई भी कपड़े और कोई भी प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं और वहाँ पर खुद का भी प्रोडक्ट वहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं गाइज। मैं आगे बताऊँगा कि किस तरीके से और भी किस किस तरीके से मीशो से कमाया जा सकता है और अच्छा खासा अमाउंट कमाया जा सकता है गाइज। तो सबसे पहला तरीका है, सबसे पहले क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको डाउनलोड करना है मीशो को। एंड उसके बाद क्या करना है गाइज, वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट का लिंक होगा, आप अपने अकाउंट बनाइए, बैंक डिटेल्स भरिए। वहाँ पर क्या करना है गाइज, आपको रिफंड एंड अर्न में जाना है। रिफर में जैसे ही क्लिक कीजिएगा वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक रिफर लिंक मिलेगा। आप उस लिंक को आप किसी को भी फ्रेंड को भेजते हैं तो अगर उस लिंक से क्लिक करके डाउनलोड करता है और कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करता है अपने ऐप से, तो आपको कुछ ना कुछ परसेंट का कमीशन आपको हमेशा मिलता रहेगा 3 महीने तक। समझ सकते हैं गाइज कि अगर आप 10 लोगों को भी भेजते हैं तो आप वो अच्छा खासा अगर ऑनलाइन परचेस करता है कुछ भी, तो आपको सिर्फ घर बैठे कमीशन मिलता रहेगा, कुछ भी आपको नहीं करना है। सो एक अच्छा तरीका है आपको मीशो से कमाने का, अमेजोन एफिलिएट से कमाने का। सो सेकंड चीज़ मैंने बताया गाइस कि मीशो से एफिलिएट बना सकते हैं, मतलब मीशो पे कमा सकते हैं और अमेजोन एफिलिएट अपना अकाउंट बना सकते हैं गाइज, और फ्लिपकार्ट पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, जहां से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेगा आपको कमीशन मिलता रहेगा। सो गाइज अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि मीशो में एक और खासियत बात है कि यहाँ पर किसी का प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं अपने फेसबुक पर। अब कैसे करना है गाइज, तो सबसे पहले हर किसी के पास फेसबुक पे अपना अकाउंट होता है। फेसबुक पे मार्केट प्लेस एक ऑप्शन होगा, मार्केट प्लेस, उस मार्केट प्लेस पे जाना है गाइज, और मीशो का जितना भी प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्ट का जो इमेजेस है और कैटलॉग है उसको कॉपी करना है और मार्केट प्लेस पे आपको पेस्ट करना है गाइज। ये करने के बाद आपको क्या करना है कि मीशो पे जो भी प्रोडक्ट, जैसे किसी के प्राइस का 100 रुपया है तो आपको वहाँ पर अपने फेसबुक के मार्केट प्लेस पे आपको वही प्राइस 200 रुपये रखना है, जिससे कि आपका कोई भी ऑर्डर आता है फेसबुक मार्केट प्लेस पे तो आप वहाँ से ऑर्डर कंफर्म करके और मीशो पे आप ऑर्डर को लगा सकते हैं। अगर वो ऑर्डर वहाँ पर डिलीवरी हो जाता है तो आपको 100 रुपीज़ तुरंत आपका अकाउंट में चला आएगा, समझ गए। तो इस तरीके से आप भी कमा सकते हैं और मार्केट प्लेस पे बहुत लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, 20,000 10,000 हमेशा कमाते हैं गाइस। तो अगर आपके पास मार्केट प्लेस है तो आप अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको डाउनलोड करना है मीशो को और अपना जर्नी स्टार्ट कीजिए, कमाना स्टार्ट कीजिए गाइस। सो गाइस जो थर्ड तरीका है जो ड्रॉइंग और आर्ट से आप कमा सकते हैं वो है गाइस ई कॉमर्स। जी हाँ गाइस, ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा एक करियर है जो कि आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा बूस्ट हो चुका है। सो अगर आप ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं, खुद का प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, जैसे कि आप जितने भी ड्राइंग्स को बनाते हैं, जैसे कि मेरा पीछे देख सकते हैं सारा ड्राइंग्स बना हुआ है, आर्टवर्क्स एक से एक अच्छा लग रहा है देखने में, तो क्या मैं इसको सेल आउट कर सकता हूँ? जी हाँ, इसको मैं बेच सकता हूँ गाइस और अच्छा खासा मैं बेच सकता हूँ। तो अगर आपने ड्राइंग बनाया है, ठीक है, अगर आपने ड्राइंग बनाया है कोई किसी का पोर्ट्रेट बनाया है तो उसको बेच सकते हो गाइस। कैसे बेचना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अमेजोन या मीशो पे एक सेलर अकाउंट बनाना है। सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपको GST नंबर और पैन कार्ड चाहिए। अगर आप सेलर अकाउंट बना लेते हो तो अपना जितना भी पोर्ट्रेट है, ड्राइंग है, आप वहां पर लिस्ट कर पाएंगे,
और लिस्ट करने के बाद वहाँ पर अपना कैटलॉग और प्राइस डाल पाएंगे। जितने भी अमेजोन पे इस कैटलॉग के बारे में कुछ सर्च करेंगे, जैसे कि अगर आप भगवान शिव का ड्राइंग बनाते हो और वहाँ पर पेस्ट करते हो अमेजोन पर या मीशो पे, कोई ख़रीदना चाहता है किसी का पिक्चर, आप तो वहाँ पर लगाए और रहोगे। सो गाइस ये क्या करेंगे कि जितने भी लोग ऑल ओवर इंडिया में सर्च करेंगे, अगर आपका ड्राइंग किसी के सामने आता है और ख़रीदना चाहता है तो आपका तो सेल आउट हो जाएगा गाइस। तो ये आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वहाँ तक डिलीवरी बॉय भी यहाँ तक आएगा, आपको बस पैकेजिंग करना है और वहाँ तक आपको मिल जाएगा आपका अकाउंट। 0% कमीशन लेता है मीशो, तो मीशो पे सेलर अकाउंट बना सकते हैं और 0% कमीशन मिलेगा गाइज। आप वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे अपने ड्राइंग और जितने भी आर्ट आपने बनाया उसको बेचकर। सो ये इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ गाइज, क्योंकि ये सब चीज़ मैं आगे करने वाला हूँ और ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा हूँ भी। सो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ क्योंकि मैं किसी के साथ छुपाता नहीं हूँ गाइज। आप लोग मेरे फैमिली हो और आप लोग को मैं एक एक चीज़ बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोग भी कमा सकते हो, अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर पाओगे आप लोग। तो आप ई कॉमर्स पे अपना अकाउंट बनाइए, अमेजोन पे, मीशो पे सेलर अकाउंट भी बना सकते हैं और वहाँ पर अपना जितना भी आर्ट है उसको लिस्ट कीजिए और पैसा कमाइए, ठीक है। 3 तरीके मैंने बता दिया, पहला फेसबुक यूट्यूब, दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग और तीसरा मैंने बताया गाइज ई कॉमर्स से आप पैसा कमा सकते हैं। सो गाइज अब 4 पॉइंट्स है जो कि हर एक आर्टिस्ट करते हैं, वो है कमीशन वर्क गाइज, कमीशन वर्क। अब देखिए कमीशन वर्क बहुत तरीके का होता है, जैसे कि कोई आर्टिस्ट है उसका स्किल्स अगर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छा स्किल्स है उसके पास, तो उसका जो कमीशन वर्क का जो चार्ज होगा गाइज वो भी बहुत कम होगा। जैसे कि मैं अभी कमीशन वर्क जो भी लेता हूँ वो 800 टू 1000 तक मैं चार्ज करता हूँ। अभी मैं भी अपने स्किल्स को और अभी इम्प्रूव करता हूँ और आगे जहाँ मैं अभी 1000 ले रहा हूँ वहाँ मैं 5000 भी ले सकता हूँ आने वाला फ्यूचर में। सो अपने इस कमीशन वर्क से भी आप घर बैठे अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा जो दिक्कत है कमीशन वर्क देगा कौन, कौन देगा, कैसे आएगा कमीशन वर्क, कैसे मैं अर्न कर पाऊँगा। सो गाइस ये बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है जो कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है गाइस, आपको जितना भी आर्ट बनाते हैं उसका अच्छा अच्छा फोटो क्लिक कीजिए और इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब पे डालिए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए एकदम अच्छा अच्छा फोटो गाइस, फेसबुक पे पोस्ट कीजिए और वहाँ पर लिखिए कि अगर किसी को पोर्ट्रेट बनवाना चाहते हैं स्टोरी में डालिए, तो वहाँ से बहुत से लोग बोलेंगे कि हाँ मैं बनवाना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले आपको स्किल्स पे काम करना है, आपको स्किल्स बेहतर होगा तभी आपको लोग पैसा देंगे, ऐसे क्यों देगा यार, कोई नहीं देगा ऐसे, समझ गए। इस तरीके से आप अच्छा खासे रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे अपने स्किल्स को अच्छा तरीके से इम्प्रूव करने के बाद। तो कमीशन वर्क एक अच्छा ऑप्शन है, आप कर सकते हैं और इससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे गाइज, समझ गए। सो गाइज जो 5th तरीका है गाइज पैसे कमाने का, वो है गाइज हर कोई लोग कर रहा है, वो है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग मैं ऐसे ब्लॉगिंग करने वाला बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग लिखने वाला ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग देखिए क्या ब्लॉगिंग एक अच्छा करियर आपसे बन सकता है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है ब्लॉगिंग में, आप अगर आपको लिखना पसंद है, देखिए जैसे कि आपको ड्राइंग बनाना पसंद है तो ड्राइंग के साथ साथ आपको लिखना भी पसंद होगा। सो गाइस आपको क्या करना है कि जितना भी चीज़ें आपको पता है ड्राइंग से रिलेटेड आपको लिखना स्टार्ट करना है, जैसे कि बेस्ट पेंसिल कौन सा होगा, बेस्ट पेपर कौन सा होगा, किस तरीके से क्या यूज़ होता है, फिगर ड्राइंग क्या होता है, किस तरीके से एक पोर्ट्रेट बनता है, कैसे पेंसिल को यूज़ किया जाता है, आप हर तरीके से लिखना स्टार्ट कीजिए। blogspot.com पे अपना ये बनाइए गाइज, अकाउंट बनाइए और blogspot.com पे आप कुछ भी आर्टिकल्स लिख सकते हैं, नहीं तो आप वर्डप्रेस पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन होस्टिंग और डोमेन आपको परचेज करना होगा, लेकिन ये फ्री है, blogspot.com वो फ्री है तो आप वहाँ पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। बस वहाँ पर कुछ ही अंडर सिक्स मंथ में आपका जो एडसेंस अप्रूवल हो जाता है, लेकिन आपको आर्टिकल्स हमेशा डालना होगा हर तरीके से। सो गाइज इस तरीके से अभी आप पैसे कमा सकते हैं, ब्लॉगिंग करके भी आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे, इसलिए ब्लॉगिंग भी अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है। आज बहुत लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं, तो आप ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको 5 तरीके बताए गाइज, तो आप किसी भी तरीके से आप आगे बढ़िए और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कीजिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोग आगे बढ़िए और आगे अच्छे तरीके से काम कीजिए। सो गाइज ये सारे चीज़ मैंने बताया कि ऑनलाइन में ये सब हो सकता है, ऑफलाइन में क्या क्या हो सकता है गाइज,
सो गाइज ऑफलाइन में एक चीज हो सकता है जिससे आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे अपने ड्राइंग की स्किल्स को लेकर। दो तरीके हैं, पहला तो कमीशन वर्क मैंने बताया जो कि ऑफलाइन भी आप लोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सेकंड तरीका है गाइज, आप अपना ड्राइंग जो भी जानते हैं, स्किल्स जितना भी आपके पास है, आप उसका ट्यूशन ले सकते हैं, ड्राइंग का क्लास आप ओपन कर सकते हैं। इससे क्या होगा गाइज कि आप लोग जितना भी चीज़ जानते हैं आप लोगों को सिखाना स्टार्ट करिएगा, तो लोग आपको साथ जानेंगे, आपको समझेंगे कि हाँ आपको आर्ट आता है और इससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है गाइज। और मैं आगे करने वाला हूँ, मैं खुद का एक कोचिंग क्लास खोलने वाला हूँ। सो मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि मैं कितने बच्चे आए हैं, क्या क्या मैं कर रहा हूँ, तो सब कुछ आपको चैनल पर मिलता रहेगा गाइज। सो गाइज मैंने आपको बता दिया कि ऑफलाइन में क्या क्या हो सकता है, ऑनलाइन में क्या क्या आप कर सकते हैं ड्राइंग को लेकर। अगर आपके पास ड्राइंग स्किल्स है तो आप, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कमा पाएंगे, आप बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख जैसा आपका जो मोनेटाइजेशन होगा उस तरीके से आप कमा पाएंगे गाइस, और उस तरीके से आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। समझ गए? तो जितना भी चीज़ मैं जानता था, मैं एक्सपीरियंस मैंने किया है, वो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, लेकिन मैं क्या करूँ, आप लोगों के साथ थोड़ा नॉलेज शेयर करना था, तो गाइस इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। मैंने सारा कुछ आपको बताया, एक स्ट्रैटेजीज बताया, पूरा प्लानिंग के साथ मैंने आपको सब कुछ बताया गाइस कि किस तरीके से आपको करना है और कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। सो गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरीके का प्यार देते रहिए, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।